तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स, करियर और सैलरी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी में होते हैं या सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, उनका स्कोप क्या है और आने वाले दिनों में कितना होने वाला है, तो बेसिकली उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आई टी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से इस छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ स्टार्टिंग में ही कि 2021 यानी कि 2021 तक 3.5 मिलियन, ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे मिलियन की बात करूँ, 3.5 मिलियन जॉब्स आने वाली हैं इस पूरे, मतलब अगर मैं बात करूँ इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा यानी जितनी भी कंट्री हैं, 2021 तक 3.5 मिलियन जॉब्स आने वाली हैं। तो सीधा सा फंडा ये है कि साइबर सिक्योरिटी में आने वाले दिनों में बहुत अच्छा जॉब होने वाला है, बहुत अच्छा करियर होने वाला है और अनलिमिटेड जॉब्स आने वाली हैं, क्योंकि जो 2017 का डेटा है उसमें अराउंड 3 मिलियन जॉब्स थी, ऑलरेडी 3 मिलियन जॉब थी लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाई हैं और अभी भी उनको चाहिए, जिसमें कि लगभग 7 मिलियन लोग जॉब्स ऑलरेडी इस पर कर रहे हैं, यानी कि जो अगर मैं बात करूं पूरे देश की यानी पूरी कंट्री की, 7 मिलियन लोग ऑलरेडी इस पर जॉब्स कर रहे हैं और 3 मिलियन पोजीशन ऑलरेडी खाली थी 2017 में, और आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा ये वैकेंसी आने वाली हैं। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूँ अभी रिसेंटली की, तो 1 मिलियन जॉब्स ओपनिंग होने वाली है 2020 में, यानी कि जनवरी 2020 के बाद 1 मिलियन जॉब्स आने वाली हैं साइबर सिक्योरिटी में। दोस्तों मैं ये बात करूँ यहीं पर इंडिया में, तो 40,000 जॉब्स एवरी ईयर, 40,000 नौकरी खाली रह जाती हैं साइबर सिक्योरिटी की, यानी कि 40,000 कैंडिडेट के लिए वहाँ जॉब्स के लिए कोई मिलता ही नहीं कंपनीज में, इतनी वैकेंसीज खाली हो जाती हैं। और उसके अलावा अराउंड 2 लाख, यानी कि अगर टोटल देखा जाए जो वहाँ पे नीड होती है ये, तो 40,000 तो वो माइनस में रहते हैं जो उन्हें कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर वो अपनी फुलफिलमेंट करना चाहें अपनी कंपनी का, जो वो एक होता ना कि हमें इस डिपार्टमेंट इतने कैंडिडेट रखने हैं, इस डिपार्टमेंट में इतने कैंडिडेट रखे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2 लाख कैंडिडेट की वैकेंसी खाली रहती है पर ईयर, ये 2019 का डेटा। 2016-17 में तो अराउंड 3 लाख के समथिंग कुछ था, यानी कि ये बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि कैंडिडेट कम होते जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में। साइबर सिक्योरिटी तो पता ही है, हैकिंग वगैरह कितनी बढ़ती जा रही है, तो उसी बेस पे ये जॉब्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स, लैपटॉप में वायरस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा सिस्टम्स हैक हो रहे हैं, क्योंकि आजकल तो पता ही है आपके पास फ़ोन आया, आपके वाला आधार नंबर बताओ पूरा अकाउंट साफ, यानी कि अकाउंट से पैसा पूरा खत्म, सिर्फ आधार नंबर बताओ, ये क्या है? ये साइबर सिक्योरिटी कम है तभी नहीं वो चीज़ें सारी मैनेज हो पा रही हैं, क्योंकि हैकर्स इतने ज़्यादा हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हैकर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक जॉब पर्सन। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जॉब कर रहे हो और एक हैकर है, तो उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है। वो बोलते हैं ना कि गलत चीज़ें इंसान बहुत जल्दी सीख जाता है, गलत चीज़ों में उनका दिमाग बहुत जल्दी चलता है, कोई भी हो वहाँ पे, तो वो कुछ अलग ही तरीके से सोचते हैं और अलग ही तरीके से वहाँ पे अटैक करते हैं, वो चाहे वेबसाइट हो या कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो वहाँ पे। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूँ अब इसके सैलरी के बारे में, तो साइबर सिक्योरिटी में, जी हाँ दोस्तों, कोई सी भी सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब हो, मैं यहाँ पे आईटी फील्ड की बात कर रहा हूँ, आईटी में कोई भी सिक्योरिटी जॉब हो, चाहे वो क्लाउड सिक्योरिटी हो या सीसीएनए सिक्योरिटी हो या सर्वर सिक्योरिटी हो, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी की अगर जो जॉब्स होती हैं आईटी की फील्ड में, तो उसमें सैलरी अच्छी खासी होती है, अच्छा खासा पैकेज होता है। स्टार्टिंग मानता हूँ कि 4 से 5 लाख का या 6 लाख का आपको पैकेज मिलेगा, या 4 लाख या 3-4 लाख के अराउंड मिलेगा। जैसे ही आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो सिक्योरिटी का जो पैकेज होता है वो 10 लाख के ऊपर ही जाता है, 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इसमें आपको बस बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो सैलरी, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग करना चाहते हो वो, चाहे क्लाउड सिक्योरिटी, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, तो अच्छा खासा सैलरी है, अच्छी खासी जॉब्स है और बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने वाली, आप बेधड़क कर सकते हो। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा हुआ वहाँ पे क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपका कोई कमेंट या क्वेरी है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पर मैं ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. जय हिंद जय भारत.